lesson is Choco gets a little help. Choco gets a little help. Okay. हमारे लेसन का नाम है बच्चों चोको गेट्स अ लिटिल हेल्प. ओके, सो इन प्रीवियस वीडियो हमने क्या देखा था, व्हाट हैपेंड इन दिस लेसन. चोकोस मम्मा सेड टू चोको, यू विल बिकम अ चॉकलेट. इतनी चॉकलेट खाओगे बेटा तुम तो एक दिन तुम खुद चॉकलेट की तरह बन जाओगे, है ना. सो व्हाट विल द डेंटिस्ट से, and just look at the state of your teeth. और जब इतनी चॉकलेट तुम खाओगे तो दांत तो खराब होने ही हैं, और दांत अगर इतने ज्यादा खराब हो गए तो डेंटिस्ट क्या कहेंगे. यस, तो यही बातें जो है वो मम्मा चोको से बोल रही थी. बट ये जो चोको है कि वो ना पापा की बात सुनता था ना मम्मा की बात सुनता था. Okay, so mom, Choco replied to everything she said, I. तो देखो हर वक्त मम्मी के पास जब छोटे बच्चे जैसे रोना लेकर बैठ जाते हैं, मम्मी 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 ये दो वो दो, है ना, तो उसी तरह ये जो Choco था ये हमेशा mom और उसकी मम्मा हाँ, है ना. तो देखो इससे उसकी मम्मा जो है वो उससे परेशान हो जाती थी, है ना. So, but there was nothing he could add. He knew he must talk, but did not know how. अब उसको भी ये पता था कि मैं कितनी ज़्यादा चॉकलेट्स खाता हूँ, पर वो खुद को रोक नहीं पाता था चॉकलेट खाने से, है ना. तो देखो, और जैसे उसके हाथ में पैसे आ जाते थे, वो सीधा किसी बात को ना सोचते हुए वो सीधे दुकान में जाकर चॉकलेट्स खरीद कर लेकर आता था, और बस पूरा दिन फिर चॉकलेट चबाते रहना. हर वक्त उसके मुंह में चॉकलेट ही रहता था, हमेशा वो चबाता ही रहता था चॉकलेट. तो उसको ये कहीं तो भी लगता था कि मुझे इतनी सारी चॉकलेट नहीं खानी, पर वो खुद को रोक नहीं पाता था और ना ही किसी की बात सुनता था. Then every time he looked in a mirror, he got a shock. और वो हर बार आईने में जाकर देखता था और वो शॉक हो जाता था, उसको झटका लगता था. अब ये झटका क्यों लगता होगा? क्योंकि वो जब भी आईने में देखता उसके दांत जो है वो चॉकलेट के कलर के मतलब काले काले दिखते थे, और ऐसे काले दांतों को अगर हम आईने में देखेंगे, खुद के दांत जो है वो काले काले अगर दिखेंगे तो झटका तो लगना ही है, है ना. तो ऐसे ही चोको जो है वो हर बार मिरर में जाकर देखता तो उसको बड़ी हैरानी होती और उसको झटका लगता कि मेरे जो ये दांत है ये कितने काले हो गए हैं. His teeth were as dark as chocolate. चोको was not happy. और जब भी वो मिरर में देखता था उसके जो दांत है वो चॉकलेट के ही कलर के दिखते काले काले, और फिर जब भी उसको ऐसा वो देखता तो वो सैड हो जाता था, थोड़ा सा हैरान हो जाता था, उदास हो जाता था. हाउ कैन आई स्टॉप, ही क्राइड टू हिमसेल्फ. वो खुद ही सैड होकर रोता और बोलता कि मैं ये कैसे अच्छा कर दूं, कैसे मेरे दांतों को ठीक कर दूं, है ना. हाउ कैन आई स्टॉप, मैं इसे कैसे रोकूं काले होने से. एज ही वेंट टू स्लीप वन नाइट, और एक दिन ऐसा ही कुछ सोचकर वो सोने के लिए चला गया. ड्यूरिंग द नाइट चोको सैट अप इन अ डार्क कॉर्नर, ही सॉ अ लिटिल मैन. अब देखो रात के दौरान वो सोने के लिए चला गया और रात हो गई, और इसी रात के दौरान वो उठकर बैठ गया. इन अ डार्क कॉर्नर, एक अंधेरे कोने में, he saw a little man in a very large purple turban. अब देखो उसको एक अंधेरे कोने में एक लिटिल मैन दिखा जो कि एक पर्पल कलर की पगड़ी पहने हुए था. लिटिल मैन जिसको बोना बोलते हैं, छोटा सा आदमी, है ना, बिल्कुल छोटा सा आदमी. तो देखो वो पर्पल कलर की
पगड़ी पहने हुए था। He was no bigger than Choco's hand. अब चोको का हाथ जितना था उससे बड़ा वो नहीं था, इतना सा वो आदमी था। ओके, द लिटिल मैन बोर्ड एंड डांस अबाउट, देन ही मूव क्लोजर टू चोको'स बेड एंड चोको स्लाइड फर्दर अंडर द बेड शीट। अब देखो कि जैसे ही चोको ने उस लिटिल मैन को देखा तो वो थोड़ा सा डर गया और लिटिल मैन जो है वो उसके नजदीक आने लगा और उसने डांस शुरू कर दिया, वो नाचने लगा। और फिर देखो जैसे लिटिल मैन नाचने लगा और नजदीक आने लगा चोको के, तो चोको डर गया और वो अपने बेड पर जो बेडशीट थी उस चादर के नीचे, बेडशीट के नीचे वो चला गया। ओके बच्चों, तो आज की स्टोरी हम यहीं तक पढ़ते हैं कि चोको जो है वो क्या है, चॉकलेट खाने से खुद को रोक नहीं पाता है, है ना। और वो कोशिश तो करनी है उसे, पर जैसे ही चॉकलेट की याद आ जाती है उसे तो वो खुद को खाने से रोक नहीं पाता। अब अचानक से उसके साथ एक ऐसी बात हुई है जिससे वो परेशान है, है ना। उसके सामने अचानक से एक लिटिल मैन आ गया है। अब ये लिटिल मैन उसको क्या सबक सिखाता है और क्या बोलता है ये जानने के लिए देखेंगे हम अगला वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।